मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी एकता पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव पर गहरा तंज कसा। भोपाल पहुंचे नरेंद्र मोदी ने पटना में हुई विपक्षी एकता मीटिंग पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सभी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अगर आप मुलायम सिंह यादव के बेटों का विकास चाहते हैं तो सपा को वोट दीजिए। जब से मोदी ने ऐसा बोला है तब से सपा प्रवक्ता से लेकर नेता तक जवाब दे रहे हैं। अब खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक ट्वीट को रिट्वीट करके इसका जवाब दिया। जिस ट्वीट को उन्होंने रिट्वीट किया उसमें लिखा गया, भाजपा के लोग परिवारवाद पर बोलते हैं जबकि खुद अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। सूप बोले तो सूप, वो चलनिया बोले जाए में खुद 72 छेद, चलनी कहे सुई से तेरे पेट में एक छेद, वाह रे भाजपाई। इस ट्वीट के साथ दो पोस्टर भी चस्पा किए गए। इस पोस्टर में बीजेपी की राजनीति में मौजूद परिवारों के बारे में बताया है। सबसे पहले अमित शाह और जयशाह की फोटो है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल भी। अनुराग ठाकुर अभी केंद्रीय खेल मंत्री हैं तो उनके पिता प्रेम कुमार धूमल हिमाचल के सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा अगर सिर्फ यूपी की बात करें तो इसमें राजनाथ सिंह और पंकज सिंह की तस्वीर है। राजनाथ सिंह फिलहाल देश के रक्षा मंत्री हैं जबकि उनके बेटे पंकज सिंह नोएडा से बीजेपी विधायक हैं। मंत्री जितेंद्र प्रसाद और उनके पिता कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद का भी जिक्र है। यही नहीं, एनडीए की सहयोगी अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और उनके पिता सोनेलाल पटेल की भी फोटो लगाई गई है। दरअसल इस पूरी तस्वीर के जरिए सपा बीजेपी के परिवारवाद पर हमला बोल रही है। वहीं अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने पूरे विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला है। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे देशवासियों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। दरअसल 23 जून को पटना में हुई विपक्षी मीटिंग में बीजेपी विरोधी करीब 17 पार्टियां साथ आई थी और उन्होंने 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ने की बात कही। तब से बीजेपी लगातार इन पार्टियों पर हमला बोल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस मीटिंग में अखिलेश यादव गए थे, ऐसे में बीजेपी उन पर भी लगातार हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।